और लड़का को लड़की से प्रेम करते रहे कितना दिन से रहो मालूम रहे बात के ना ये बात के हमरा मालूम कत रहे गांव के लोग कहत है कि रहुआ कोका बेर मार के भगवल बने अपने घर से लड़की के घटना घटने के बाद में हम लोग जानते हैं जो क्या होता है क्या नहीं। आप कहां थे उस समय? लड़की लड़का का जब प्रेम होता है तो कौन जानता है, कौन बाप मतारी जानता है जो लड़का लड़की के प्रेम होता है। बिल्कुल। लेकिन हो जाने के बाद जानकारी होता है जब लड़की भाग जाती है। हाँ। तो होता है जो लड़का अपहरण करा कर ले। अभी क्या जानता है जो काम करता है तो कहाँ प्रेम करता है, कहाँ क्या करता है, कहाँ नहीं करता है। सही बात है, सही बात है। वो काम करता है टेंट हाउस का मतलब है रात भर नचना गाना, एने लाइट देना उन्हें लाइट देना, और सवेरे आके घर में सुन सकता है जो कहीं नुका कर रखा होगा उसका माँ, लड़की का माँ पापा। लड़की का उम्र कितना होगा? लमसम मैंने हम सुने हैं ये 13-13.5 बरस का। 13 बरस की लड़की है। और इसका उम्र कितना था लड़का का? लड़का का 19 बरस का उम्र। और बरस सरकार का कानून में लिखा है जो औरत 7 को भी शादी कर लेगी तो फिर पहले के मालिक पड़ जाएगी। हाँ। ये कानून गलती नहीं है। नमस्कार, अभी हम मौजूद है पहाड़पुर थाना के अंतर्गत में एक गाँव है, एक पंचायत है जहाँ पर एक प्रेम प्रसंग का मामला जो है काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और देखिए ये पंचायत की सरपंच महिला हमारे साथ मौजूद है और जाने की आखिरकार ये महिला जो है बीच रास्ते पे क्यों रो रही है, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और आखिरकार इनके जो लड़के थे वो जिससे प्यार किए थे वो लड़की कहाँ है और इनका लड़का कहाँ है, चलिए हम बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? आपका नाम क्या है? उर्मिला देवी। क्या हुआ आपके पंचायत में? हमारे पंचायत महिला रो रही है रोड पे, क्या हो गया? अरे उसका बेटा प्रेम प्रसंग में वो लड़की को लेकर चला गया। अच्छा, कहाँ की लड़की है वो? लगुनिया का लड़की है। लगुनिया? लगुनिया का लड़की है। हाँ। इसका लड़का कृष्णा सा का टेंट हाउस में काम कर रहा था। अच्छा। उसी जगह से प्रेम प्रसंग में हुआ। हाँ। घटना घटने के बाद में हम लोग जानते हैं जो क्या होता है क्या नहीं। आप कहाँ थे उस समय जब घटना हुआ, तो आपको कब मालूम चला? अरे घटना होने का 2 दिन के बाद हम लोग का पता लगा जो हाँ वो लड़की लेकर। अच्छा, घटना हो जाने के बाद 2 दिन के बाद आपको मालूम चलता? मालूम चला। अच्छा, पत्नी जो उसका लड़का लड़की इस बार ना पूछा का ना बोल राहुल? सुनीता देवी। रुआ बेटा के का बोल बा? हमारा बेटा का मौसा मौसी और मामा मामी सारा के बेटिया से आंख झाप के मुंगा के पीक दे बा। तो मुंगा के बिगले भाई का कहले बा? एकरा बारे में रउआ अपना मुंह से काहे कहता नहीं, एकरा बारे में जांच पड़ताल कुछ भइल बा? थान नहीं कन कहला हमरा माने जमना के जांचे नहीं के भइल, गायब हो गया बच्चा। और अब बच्चा का कोई समझे कि कोई कोई एविडेंस नहीं है कि आखिरकार लड़का को क्या किया गया है, मार दिया गया है या वो किसी को कोई उसको गायब कर दिया गया है, कहीं पे उसको छुपा दिया गया है, इसका सबूत जो है अभी थाना में निकल पाई है। और ये परिवार जो है रादिन कर रहा है कि मार दिया गया है। मौसा मौसी आंख बांध के घर में सालकिन से ले आयल, कहा था चलो घर घर ले आयल, तो घर मौसा मौसी लेके भागा फिर। और लड़का को लड़की से प्रेम करते रहे कितना दिन से रहो मालूम रहे बात के? ना ये बात के हमरा मालूम कत रहे गांव के लोग कहत है कि रहुआ कोका बेर मार के भगवल बने अपने घर से लड़की के? ना हमरा मालूम ना रहा, हम बनियारा को के खाते रहनी है, चारू और बनियारी को के खियावत रहनी है। रुआ जानकारी कब भइल? हमरा जानकारी है तो आतवार के भइल, सनी सनी चार। अरे लड़का गायब भइल तब ना जानकारी भइल, ओकरा पहले मालूम रहे रहुआ? ना ओकरा पहले मालूम ना रहे। अब सरपंच है, आपको कब मालूम चला इसके बारे में? घटना होने का 2 दिन के बाद। थाना वाला में कुछ आवेदन कर दिया है इसके बारे में? अरे वो आवेदन दिया? हाँ। ये तो पहले से काम करता था, सेटलमेंट था वो तो लड़की लड़का का जब प्रेम होता है तो कौन जानता है, कौन बाप मतारी जानता है जो लड़का लड़की के प्रेम होता है। बिल्कुल। लेकिन हो जाने के बाद जानकारी होता है जब लड़की भाग जाती है। हाँ। तो होता है जो लड़का अपहरण करा कर ले गया। हाँ। लड़का पर अपहरण का केस होता है, वो आवेदन लेने जब 2 दिन के बाद हमसे बोले। हाँ। तो हम थाना पर गए जाकर नकल लाए, केस हो गया था। हाँ। नकल हो गया था। हाँ। तो नकल में लिखा था। हाँ। राजेश्वर साहब आवेदन दिया था। हाँ। कि नाग पंचमी के दिन। हाँ। मेरे बेटी को पाना लाल। हाँ। कृष्णा साहब का टेंट हाउस में काम करता है, नाग पंचमी के दिन मेरे बेटी को मेला घुमाने ले गया। अच्छा। शाम तक जब मेरे लड़की नहीं लौटी तो मैं अगल बगल से पता लगाया तो पता चला कि पाना लाल लेकर भाग गया। आज ये परिवार बोल रहा है कि मेरे लड़के को मार दिया गया, आप क्या कहिएगा? नहीं नहीं, हम कैसे कहेंगे जो मार दिया गया है, हमको मैंने ये बात कहना है। हाँ। कि जब उसके मौसा मौसी। हाँ। या रामेश्वर साहब चाहे उनका लड़का। हाँ। जब लड़का लड़की को प्रबोधन देकर पंजाब से बुलाया। हाँ। आ बेतिया रिसीव किया, भटवलिया श्रीपुर भटवलिया उसका मौसियर है, जब रिसीव किया तो लड़की थाना पर चली गई, लड़का क्या हुआ? आपको कोई मालूम था कि नहीं इस प्रेम के बारे में?
हमको पहले से मालूम नहीं था लेकिन जो घटना घटने के बाद हमको मालूम हुआ। क्या कहेगा इस परिवार के लिए जो आप किस प्रकार से सहायता कीजिएगा? मैंने हमको सहायता तो थाना प्रशासन से, चाहे बड़े पदाधिकारी से, चाहे गांव समाज से, मीडिया बंधु से, सबसे मैंने अनुरोध है कि जिस तरह लड़की को थाना में सुपुत्र किया गया, बाल गृह में रखा गया, उसी तरह मुझे लड़का को भी खोज कर। ये परिवार वाले बोल रहे हैं कि मार दिया गया है? ना ना, वो तो देखिए तरह तरह दिमाग घूम रहा है, तो हम लोग का ही तरह तरह दिमाग नहीं हुए ये हम लोग कह देंगे जो मार दिया है। हो सकता है जो कहीं नुका कर रखा होगा, उसका माँ, लड़की का माँ पापा। लड़की का उम्र कितना होगा? लमसम मैंने हम सुने हैं ये 13-13.5 बरस का। 13 बरस की लड़की है। और इसका उम्र कितना था लड़का का? लड़का का 19 बरस का उम्र। 19 बरस का उम्र था। तो लड़का घर से केवल गायब हो चुका है और लड़की कहाँ है अभी? लड़की थाने में है। अरे लड़का लड़की दोनों बेतिया में उसका मौसा मौसी बरामद किया। अच्छा, अभी की डेट में कहाँ है लड़का? अभी का डेट में लड़की बाहर गृह मुतिहारी में है। अच्छा। और लड़का का पता नहीं है। हाँ। अब उसका मौसा और उसका जो लड़की का भाई सा धमकी दिया था, ये कुटी कुटी काट देंगे, बिक देंगे। हाँ। इसी का चलते व्याकुल होकर सब लोग रो रहा है कि लड़की जब बाल कह रहे हैं इनको डर है कि उस बात को करे कोई पूरा कर सकता है, जो पूरा तो न हो गया है। जब लड़की भेटा गई, लड़की बाल गृह में, तो मेरा लड़का कहाँ? क्या कहिएगा? कुछ लड़के है जो समझिए कि नजारे में प्यार कर लेते हैं और उनका हाल जो इस प्रकार हो जाता है। देखिए तो सत्य है कि नदानी में 12 वर्ष को, 10 वर्ष को, 8 वर्ष को प्यार कर लेता है, लेकिन सरकार का कानून तो गलत है। सरकार भी सलाह देता है ये औरत 7 को ब्याह करेगा, 8 को ब्याह करेगा, फिर पहलके के पास जाएगा। सरकार का दोष नहीं है, सरकार लड़की पर। सरकार का कानून क्या बोली है आप? सरकार का कानून में लिखा है जो औरत 7 को भी शादी कर लेगी तो फिर पहले के मालिक पर जाएगी। हाँ। ये कानून गलती नहीं है। लेकिन ये प्यार करना कहाँ तक सही है ये बताइए? प्यार देखिए, प्यार तो करना कहीं से सही नहीं है। हाँ। जो दोनों का फैमिली मिलता है। हाँ। उसे प्यार कीजिए। जीवन गांव में लड़का रोज आता था जाता था, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। घर तर काम करता था। अच्छा, वो 1.5 साल से उसको टेंट हाउस में उसका पटदार का घर ही में काम करता था। अच्छा, लड़के घर में, लड़के का घर पर काम करता था। तो अभी क्या जानता है, जो काम करता है तो कहाँ प्रेम करता है, कहाँ क्या करता है, कहाँ नहीं करता है। सही बात है, सही बात है। वो काम करता है, रात टेंट हाउस का मतलब है रात भर नाचना गाना, एना लाइट देना, उन्हें लाइट देना, और सवेरे आके घर में सूतना। तो बाप मदर तो जानता है जो मेरा लड़का कमाने गया है, लेकिन घटना होने के बाद में लोग जानता है। बिल्कुल, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे तमाम गांव के कुछ युवा खड़े हैं। क्या कहिएगा, ऐसा मामला हुआ पे गांव में, सही हुआ है? नहीं, सही तो किसी तरह से नहीं हुआ है? सही नहीं हुआ है। लड़के के साथ सही हुआ है कि गलत हुआ है बताइए? गलत हुआ है। जब लड़की बरामद हुआ तो लड़का को भी पता चलना चाहिए जिंदा है। लड़की को बरामद कर लेना, लड़के को कहीं ना कहीं छुपा देना, गायब कर देना, और घर वाले कहना कि उसको मार दिया गया है, ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है। अफवाह के मामला में नहीं बोलना चाहिए। जो भी है, सही बात है, जो भी है, और इसकी जांच होनी चाहिए। हम जो यहाँ के प्रशासन है पहाड़पुर थाना के अंतर्गत, जो थाना अध्यक्ष है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से कि इस घटना को जो है पूरी तरीके से जांच की जाए। और कौन सा पंचायत है पूरे तरीके से बोल दीजिए। मन कररिया पंचायत है, टोला हुसेपुर है, वार्ड नंबर 5 है। यही जिनको घटना है, हमें मैंने प्रशासन से या चाहे बड़े पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे कि इसको गरीब को सुनाई किया जाए, उसको न्याय मिले। रो रो के बुरा हाल है उसके। अब पंचायत की कोई सरपंच है आपको महीना में कितना ये मतलब इस प्रकार से केस आ जाता है आपके पास? अरे महीना में देखिए, महीना में 2 गो आता है, 200 गो आता है, लोग शॉर्ट आउट कर देता है। ऐसा बात थोड़े है, शादी करने वाला होता है तो शादी करा जाता है, नहीं होना है तो उसको अपने अपने घर को। अगर लड़का लड़की मिल जाता है तो क्या कीजिएगा आप लोग? तो लड़का लड़की अगर मिल जाएगा तो सारा मैंने प्रशासन बंधु से एज होगा तभी तो मिलेगा। लड़किया का एज जब तक नहीं होगा तब तक थोड़ा हम लोग शादी करने का। लड़की का एज 13 साल है और लड़का का उम्र 19 बरस है, तो हम कैसे शादी करने? मतलब 6 बरस का हेरा फेरी है। और देखिए, हम कुछ जांच पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो युवा हमारे साथ जो खड़े हुए हैं, देख लीजिए पूरा भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, ये कोई लोग जो बोलने वाले नहीं है। आज कहीं ना कहीं इनके बच्चे के साथ हुआ है, कल इनके साथ हो जाए, इनके बच्चे के साथ हो जाए, तो आखिरकार ये लोग कब खड़े होंगे? इनको जागना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा प्रशासन को और सरकार को दिखाना पड़ेगा। आखिरकार समझिए, कोई मामला होता है तो उसकी जांच जो है जल्द से जल्द कराई जाए, वरना ये बिहार जो है लगातार पीछे जा रहा है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।